नू हिंसा के बाद साइबर सिटी के पटौदी और सेक्टर 56 इलाके में हेट स्पीच से शहर की शांति व्यवस्था भंग करने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने को लेकर मामले दर्ज किए गए। पहला मामला पटौदी इलाके में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया, जहां धारा 144 लगे होने के बावजूद न केवल बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता सड़कों पर उतरे, बल्कि भड़काऊ भाषण दे पटौदी का माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई, जिस मामले पर पुलिस द्वारा संज्ञान ले FIR दर्ज कर ली गई। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो वो दूसरा मामला सेक्टर 56 थाना क्षेत्र के तिगरा इलाके का है, जहां बीते रविवार महापंचायत का आयोजन किया गया था और इसी दौरान भाजपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज और बबीता गुर्जर के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के तहत मामला दर्ज किया गया। कुलभूषण पर आरोप है कि महापंचायत के दौरान कुलभूषण भारद्वाज ने फिरोजपुर झिरका के विधायक को लेकर भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया था और CM मनोहर लाल को लेकर कई आपत्तिजनक बयानबाजी की। वहीं बबीता गुर्जर पर आरोप है कि बबीता ने महापंचायत के दौरान भड़काऊ बयान दिए थे। हमारे पास 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, एक तो पटौदी के अंदर जो दिनांक 5/8/2023 को दर्ज हुआ है हेट स्पीच के तहत, और दूसरा केस रजिस्टर्ड हुआ है हमारा 7 अगस्त को। इस संबंध में गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 हेट स्पीच के संबंध में मुकदमे दर्ज करे गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शन दी गई थी नू के जो वायलेंस वगैरह हुए थे उस संबंध में, तो गुड़गांव और नू के अंदर इस तरीके के संबंध में जो कार्रवाई, जो भी हेट स्पीच के संबंध में कोई गुड़गांव पुलिस के संज्ञान में कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसके तहत सुओ मोटो लेते हुए गुड़गांव द्वारा इसमें केस रजिस्टर्ड करे गए हैं, जिसके अंदर जो कॉग्निजेंस लिया गया है सुओ मोटो वो गुड़गांव पुलिस द्वारा लिया गया है, ऐसे मुद्दों को देखते हुए उनके तहत मुकदमे दर्ज करे गए हैं। देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो हेट स्पीचेस वगैरह के संबंध में हम जो वीडियोग्राफी वगैरह करी है, जितने भी मैटर है कंटेंट है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और उसको प्रॉपर मॉनिटर करा जा रहा है और एक प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जाएगी कि जिन जिन व्यक्ति विशेष द्वारा इस प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणियाँ करी गई हैं, क्या मैलिशियस कंटेंट है, इस तरीके की कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, तो उस संबंध में जानकारी हासिल करी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जिस जो भी इसमें व्यक्ति विशेष दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली दर्ज ही हुए हैं, अभी आइडेंटिफिकेशन करा जा रहा है, उनकी जो कंटेंट है उसका, जो उनकी स्पीचेस का कंटेंट है उसको वेरीफाई करा जा रहा है और प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जा रही है उनके ऊपर, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।